नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम में चंबा के डिवाइन पब्लिक स्कूल सरौल के 75 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 26 छात्रों ने हिमाचल स्तर पर विभिन्न स्थान हासिल किए, जिसमें 10 छात्रों ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया। इस बारे जानकारी देते हुए डिवाइन पब्लिक स्कूल सरौल के प्रधानाचार्य दीपक रघुवंशी ने बताया कि इस परीक्षा में पहली कक्षा वर्ग में स्कूल के छात्र आरव ने प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया, वहीं दूसरी कक्षा वर्ग में स्कूल के छात्र अभियुक्त वर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा डिवाइन पब्लिक स्कूल सरौल की तरफ से कि हमारे बच्चों ने अभी दिसंबर के महीने में नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में पहली बार हिस्सा लिया, और ये जो NSTSC एग्ज़ाम है ये यूनिफाइड काउंसिल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और तकरीबन 75 जो है बच्चों ने हमारे यहाँ पहली बार विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में पार्टिसिपेट किया इस साइंस एग्जामिनेशन में, जो कि पूरे नेशन वाइज होता है, और ये हमें बड़ा खुशी हमें यहाँ हमें मिली है, जिससे कि मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बच्चों ने तकरीबन 75 में से 26 स्टूडेंट्स ने अक्रॉस द हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने विभिन्न जो है वो रैंक अपने स्थान प्राप्त किए हैं, जिसमें से आरव अहीर जो है वो फर्स्ट क्लास का है और वो थर्ड रैंक में है अक्रॉस हिमाचल प्रदेश में, और सेकंड क्लास में अभियुक्त वर्मा है, उसका भी थर्ड रैंक अक्रॉस हिमाचल प्रदेश में है, और इसके अलावा टॉप 10 में हमारे पास 6 और स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जिसमें अवनी कालिया फर्स्ट क्लास से है, उसका 6th रैंक है, अवनी ब्रह्मोत्रा फर्स्ट क्लास से है, उसका 7th रैंक है, और शौर्या 4th क्लास से है, उसका 8th रैंक है, धानेश फर्स्ट क्लास से है, उसका 8th रैंक है, दिवांश फर्स्ट क्लास में है, उसका 10th रैंक है, प्रियांश सेकंड क्लास में है, उसका 10th रैंक है, मृदुल थर्ड क्लास में है, उसका 9th रैंक में है। तो ये 8 बच्चे जो हैं वो पूरे अक्रॉस हिमाचल में टॉप 10 में आए हुए हैं। इसके अलावा 26 जो रैंक है वो भी अक्रॉस हिमाचल में हमारे बच्चों ने प्राप्त किया है। तो ये हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि पहली बार हमारे बच्चे जो हैं वो इस NSTSC से एग्ज़ाम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और हमारे स्कूल का नाम जो है रोशन किया। इसकी बधाई मैं अध्यापकों को भी देता हूँ, अभिभावकों को भी देता हूँ और पूरे स्कूल मैनेजमेंट को देता हूँ। इसके अलावा हमारे स्कूल के विद्यार्थी जो हैं वो विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भी पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं और अपना स्थान प्राप्त करते हैं। हमारे स्कूल में अभी जो है वो स्पोर्ट्स मीट भी हमारे सेशन में हो रही है, और आने वाले टाइम में हम डिफरेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में म्यूजिक जो है वो क्लासेस हमारे स्कूल में चल रही है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और आगे आने वाली म्यूजिक पार्ट जो एक हमारे पास प्रतिस्पर्धाएं होगी उसमें भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो हमारा मकसद यही रहता है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट को भी निखारें, क्योंकि पढ़ाई तो हर बच्चा करता है बट टैलेंट की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हमारा यही वो रहता है कि बच्चा जो है ऑलराउंड डेवलप हो, ऑलराउंड उसके चारों तरफ मतलब उसकी फिजिकल मेंटली हर तरफ से बच्चा जो वो फिट रहे, हेल्दी रहे, और हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चा हर मतलब जो एरिया है उस एरिया में अपने आप को ढाले। मतलब एक बच्चा जो है हमारा एक पानी की तरह होना चाहिए, जैसा कि बोला गया कि इंसान को पानी की तरह होना चाहिए, जहाँ पर उसको ढालो उस तरह से बन जाता है। तो हमारा भी यही मोटो है, हमारा भी यही विजन है कि हर जो बच्चा है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एडमिशन भी 1st मार्च से हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज़ आप हमें अपने लिए सेवा का मौका दीजिए।